वीडियो आपकी सारी मुश्किल आसान कर देगी। ह्यूमिडिफायर मिलते हैं वो किसी भी काम के नहीं हैं, वो एक केज को भी हमारे कवर नहीं कर पाते। तो आज हम खुद एक ह्यूमिडिफायर बना रहे हैं, ऑटोमेटिक ह्यूमिडिटी कंट्रोलर है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होगा कि एक इसमें मिनिमम और हाई लेवल पे हम ह्यूमिडिटी लेवल दे देंगे, और जैसे ही वो मैक्सिमम लिमिट पर पहुंचेगा ऑटोमेटिकली हमारा जो ये ह्यूमिडिफायर है ये ऑफ हो जाएगा। यानी ह्यूमिडिटी भी आपको पता है हमारी बर्ड्स के लिए नुकसानदेह। तो व्यूअर्स ये देख रहे हैं आप, स्टीम बन रही है और ये माशाल्लाह वर्क करना स्टार्ट हो गया है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आपका भाई मोहम्मद अदनान अब्बासी आज दोबारा आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर है। आज जो मेरा टॉपिक है ये इंतहाई अहम है, और अगर आपके पास डेड इन शेल का इशू आ रहा है लव बर्ड्स में या किसी भी बर्ड्स में, तो यकीन माने ये वीडियो आपकी सारी मुश्किल आसान कर देगी। और आज बेसिकली मैं करने क्या जा रहा हूँ कि जो मार्केट से आपको पता है ह्यूमिडिफायर मिलते हैं वो किसी भी काम के नहीं हैं, वो एक केज को भी हमारे कवर नहीं कर पाते। तो आज हम खुद एक ह्यूमिडिफायर बना रहे हैं। गुफरान भाई हमारे मलीर में, उन्होंने बनाया था और उन्होंने एक जगह से देखकर और उसको बनाया, तो मैंने कहा क्यों ना मैं पूरा बनाकर और आप भाइयों से एक एक स्टेप उसका शेयर कर दूँ और सामान कहाँ से लाया ये भी बता दूँ, ताकि कॉस्ट समेत आपके लिए बड़ा ईजी हो जाए। तो चलते हैं, मैं आपको पहले सारा सामान बता देता हूँ। आप ये देखें, सबसे पहले आपको इस तरह की एक बाल्टी चाहिए, ये देखें। अच्छा, इसके ऊपर अब आपने करना क्या है, ये दो होल करने, एक के ऊपर आपका ये वाशर आ जाएगा जिस पे आपका ये पाइप लग जाएगा, ठीक है। पाइप ये रहा, 3 इंची का पाइप मैंने लाया है। अच्छा, इसका मकसद क्या है, इसके ऊपर से हमारी जो स्टीम होगी वो निकलेगी। सेकेंड चीज, दूसरी साइड पे हमारा लग जाएगा फैन, यहाँ पर एक तरफ फैन होगा वो वहां से एयर देगा, ये काट कर लगा देंगे तो यहाँ से हमारी स्टीम बाहर आएगी। अच्छा, अब हमने देखे करना क्या क्या, तो इसके लिए लाया क्या क्या हूं मैं, एक तो आपने ये मिस्ट ह्यूमिडिफायर लाना है, मुझे सदर कोऑपरेटिव मार्केट से मिला है, फाइन वालों की दुकान से, उनका कार्ड मैं आपके साथ लगा दूंगा। ये था, इसके साथ ये हेडॉप्टर था, ये दोनों 1100 रुपए के मिले। अच्छा, इसके साथ ही इसकी किट है, इसकी किट के अंदर ये फोम आता है प्लस ये एक प्लास्टिक आती है, ये इसको हेल्प करता है मिस्ट ह्यूमिडिफायर को, और ये 200 रुपए की आपको पड़ेगी। तो ये एक आपको पड़ जाएगा 1300 का सेट। अच्छा, इस तरह के अगर आपका 12x12 का कमरा है तो आपके लिए दो मेरे ख्याल में सही है, या आप तीन भी लगा सकते हैं। मेरे पास चूंकि जगह ऊपर 22x25 की है तो मैं 4 लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक आपको 1300 का कॉस्ट करेगा, जितने आपने लगाने उस हिसाब से इसकी कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा, ये जो फैन है, फैन आपको एडॉप्टर के साथ मिल जाएगा तकरीबन 400 to 500, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये क्या है, ये ऑटोमेटिक ह्यूमिडिटी कंट्रोलर है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होगा कि एक इसमें मिनिमम और हाई लेवल पे हम ह्यूमिडिटी लेवल दे देंगे, और जैसे ही वो मैक्सिमम लिमिट पर पहुंचेगा ऑटोमेटिकली हमारा जो ये ह्यूमिडिफायर है ये ऑफ हो जाएगा। यानी ह्यूमिडिटी एक लिमिट से ज्यादा एक्सीड भी नहीं करेगी, जैसे ज्यादा ह्यूमिडिटी भी आपको पता है हमारी बर्ड्स के लिए नुकसानदेह, तो वो भी कंट्रोल करेगी। तो ये सारा सामान हमें चाहिए था, उम्मीद है मैंने आपको सारा बता दिया। तो अभी इस पर वर्किंग करते हैं और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से बनाया है, और फिर पहले मेरे शेड में ह्यूमिडिटी क्या थी और इसको लगाने के बाद क्या है। तो मेरे साथ बने रहें, यकीन माने बहुत फायदा होने वाला है आपको। जी, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये हमारा ऑटो ह्यूमिडिफायर कंट्रोलर है, इसकी आपको सेटिंग सिखा देते हैं। उससे पहले मैं अकील भाई से कहूँगा आपको ये बता दें ज़रा कि जो हमारा मिस्ट ह्यूमिडिफायर है उसको सॉकेट में किस तरह लगाना है। तो देखिए, ये तीन चीज़ें आपको मिलेंगी, एक ही आपको फॉर्म मिलेगा, इसके अंदर ये लगा होगा, आपने इसको निकाल देना है। ये प्लास्टिक की आप देख रहे हैं, ये इसमें ये आ जाएगी, इस डब्बी में हमने इसको डाल देना है, वहाँ से तार की जगह बनी हुई है और उसको हमने इस फॉर्म में डाल देना है। ये आपने फॉर्म से सिंपल निकाल लेंगे, ये आपका बन गया, ठीक है।
अब ये देखें, ये भी सारी चीज़ें आपको दी होंगी, ये चार पीस आप इसके साथ लगाकर, और ये आपने सिंपल इसके ऊपर लगा देना, इसलिए बनाने नहीं बता रहा हूँ, ये सिंपल है, आपका टाइम वेस्ट होगा खमाखा, ये आप खुद भी बना देंगे। अच्छा देखिए, अब आपने जो मेन काम देखना है कि हमने इसमें किस तरीके से हमारे जो ये ऑटो ह्यूमिडिटी कंट्रोलर है, इससे क्या होगा, इस मीटर पे हमने लो और हाई सेट कर दी, आपको शॉप वाली सेट करके दे देगा, और जैसे ही आपकी हाई पे पहुंचेगी आपका ह्यूमिडिफायर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये आपको भाई बता रहे हैं, देखें अब ये दो वायर्स रेड और ब्लैक हमारी इनपुट की है, अब ये हमारी बोर्ड में लग जाएगा, ठीक है। ये भाई इसको ज्वाइन कर देंगे, आपने भी इस तरीके से इन दोनों को ज्वाइन कर देना है, ठीक है, रेड और ब्लैक वायर को, ये हमारी इनपुट की वायर्स होगी। अच्छा देखें, येलो और ब्लैक हमारी आउटपुट की वायर्स है, ठीक है। इसके साथ आप चाहते हैं तो डायरेक्ट दो एडाप्टर हमने लगाने, क्योंकि मैं दो मशीनें इस पर कंट्रोल कर रहा हूँ, तो आप दो एडाप्टर इसके साथ डायरेक्ट यूँ लगा सकते थे, लेकिन मैंने आसानी के लिए इसके साथ फीमेल लगा दूंगा, फीमेल सॉकेट, ताकि इजीली मेरा काम हो जाए। अभी जैसे भाई आपको दिखा देते हैं, देखिए व्यूअर्स मकसद क्या है आपको एक एक चीज दिखाने का, कि अगर कोई भी न्यू बंदा है यार, अब वो खमखा किसी को इतने पैसे देगा बनवाने के लिए, सारी चीजों के लिए परेशान होगा, उसको एक एक चीज मैं करके दिखा दूं, ताकि उसका टाइम वेस्ट ना हो और वो बेचारा इजीली हर चीज कर सके, उसका कॉन्फिडेंस आए। तो देखिये अब दो वायर्स के अंदर ये जो फीमेल्स थी ये दो लगा दी, ठीक है। अब इन दो फीमेल्स के अंदर आप क्या लगाएंगे, किल भाई जरा इन्हें एडाप्टर लगा के दिखाएं। ये एक एडाप्टर हमारा ये आ गया, इससे आगे का स्टेप अभी हम आपको दिखा देते हैं, और एक एडाप्टर हमारा अच्छा ये लग जाएगा अब यहाँ से मिस के अंदर, लेकिन ये हम उस बाल्टी में डालने के बाद ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। और ये आप देख लें पूरा सिस्टम आ गया, अभी थोड़ी देर में इसकी आपको हम मजीद बता देते हैं। थैंक यू व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये बाल्टी में हमने सुराख किए हैं, ये आपने ये देखें ये पूरा सिस्टम आ गया, जो आपको जोड़ना भी भाई ने बता दिया था। तो आपने इस तरीके से दो होल करके इनको यहाँ से बाहर निकाल देना है, और इस तरह ये हमारे पानी के अंदर आ जाएंगे, इनको आप डाल दें किल भाई। अब ये देखें, अब ये जो हमारे मिस्ट ह्यूमिडिफायर हैं ये आ गए पानी के अंदर, ठीक है, ये आ गए पानी के अंदर, ठीक है। और इसके ऊपर वो भी ला के आप लगा दें किल भाई। देखिए व्यूअर्स, एक एक चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप खुद बना सकें, ठीक है। और मैंने पहले ही आपसे कहा था जो काम मैं करूँगा इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी बताऊँगा, ताकि आपके भाइयों को, आप भाइयों को भी फ़ायदा हो। देखिए इस तरीके से आपने एक में दिखा देता हूँ, ये इसके ऊपर लगा देना है, ठीक है, एक चीज़ अवेलेबल है तो हम लगा देंगे बस। तो ये चारों इस तरह लग जाएंगे, तो व्यूअर्स आगे हम आपको दिखाते हैं अभी कनेक्ट करके। व्यूअर्स तो ये देखें हम आगे सिस्टम अपना अंदर ले आए हैं, तो ये आपने देखें ऑटो ह्यूमिडिफायर ह्यूमिडिटी कंट्रोलर था, ये हमने पूरा बनाया था, ठीक है। अब इसको अटैच कैसे करेंगे आप ये देख लें, ये दो हमारे पास फीमेल साकेट है और इसको हमने अटैच कर दिया था, ठीक है, टैपिंग हमने कर दी है। और आप अकील भाई आगे बता देने, अब ये देखिए दो एडाप्टर हमने, क्योंकि हम दो इस पर मिस्ट ह्यूमिडिफायर लगाएंगे। अच्छा ये देखिए कंट्रोलर जो हमें मिला है, ये हमें 1600 का एक मिला है, ठीक है, बाकी अगर कोई बड़ा वाला लेना चाहे तो वो तीन या चार भी कंट्रोल कर लेगा मिस्ट ह्यूमिडिफायर, तो मुझे ये छोटा ही मिला। अब देखिए ये दो तारे आपने इसके साथ लगा दी, इस तरह के मैंने, क्योंकि मेरे पास सिस्टम ज्यादा है तो हमने टोटल दो कनेक्ट किए हैं, ठीक है, एक ये किया एक ये किया, क्योंकि मेरे पास जगह बड़ी है, आप दो से भी काम चला सकते हैं, डिपेंड करता है आपके जगह पे, आपके यूज पे, और आप छोटी बकेट लेकर उस पर भी आप बना सकते हैं, ठीक है। एक आपको एक्सटेंशन की जरूरत होगी, जो मेल होंगे मेल साकेट अब आप इसमें लगा देंगे। तो ये देखें ये दूसरे उसी तरह लगा दिए थे टाइम बचाने के लिए पहले ही, और ये उसके जो हमारे अडाप्टर हैं उसकी पिंस लग गई। और अच्छा एक चीज रह गई थी, जरा अकील भाई इसको कैप दिखाइएगा, पहले पहले आप लगा दें मेल लगाते हैं बोर्ड में, मेल लगा दें, सही है, अच्छा वो हम बाद में भी खैर दिखा सकते हैं, ठीक है। अकील भाई ऑन करें, अब देखिए मैंने व्यूअर्स से ऑन करते हैं बिस्मिल्लाह करके, ये देखिए ये ऑन हो गया, ये आपको पहले करंट बताएगा, इस वक्त ह्यूमिडिटी हमारी क्या चल रही है, इस वक्त हमारी 48 चल रही है, ठीक है व्यूअर्स, वो देखें वहाँ पर भी और इस पर भी, और ये देखें व्यूअर्स माशाल्लाह इसने काम करना अब शुरू कर दिया जी। तो व्यूअर्स हम अपने शेड में ऊपर आ गए पूरा सेटअप लेकर, ये आप देख सकते हैं ये चारों लग गए, हमने आपको पूरा लगाना दिखा दिया था। अच्छा इस वक्त आप देखें टेम्परेचर जो मेरे शेड में चल रहा है वो चल रहा है 20
4.2 और ह्यूमिडिटी 35 चल रही है। ठीक है, टाइम क्या हो रहा है अखिल भाई इस वक्त? एग्जैक्ट टाइम दिखाइएगा। देखिए 5:24 हो रहे हैं। मैं भी आपको इसका इम्पैक्ट भी दिखाऊंगा, इसको चलाने के बाद टेम्परेचर पे कितना इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो अखिल भाई आप इसको ऑन करें। अच्छा, इसके अलावा हाँ ऑन करें, थोड़ा व्यूअर्स को हम दिखाएं पहले कि ये वर्क किस तरह करता है। देखिए व्यूअर्स, वहाँ 35 आ रही थी मेरे पास, ये मैंने दोनों ऑटोमीटर लगा दी, यहाँ 37 आ रही है और यहाँ 36.9 आ रही है, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये ऊपर इसके सेंसर हैं, जैसे ही ये सेंसर पे मैंने 65 हाईएस्ट लगाई है तो वो ऑफ होगी। ठीक है, तो व्यूअर्स ये देख रहे हैं आप, स्टीम बन रही है और ये माशाल्लाह वर्क करना स्टार्ट हो गया है। अब व्यूअर्स देखें, यहाँ हमें करना क्या है, ये देखें, ये कैप था हमारा। अच्छा, इसके ऊपर देखें दो होल थे हमारे, जो मैंने आपको पहले बताया था। ये फैन है, फैन का मकसद क्या है? देखें फैन का मकसद आप समझें कि यहाँ से जब हम फैन चलाएंगे ना, तो यहाँ हमारा पाइप लगेगा, तो फैन जब यहाँ से प्रेशर मारेगा सारी स्टीम यहाँ से बाहर आ जाएगी। ठीक है, अखिल भाई फैन ऑन करके जरा व्यूअर्स को दिखाएं हमारे। या रुके, पाइप लगा देते हैं, एक मिनट रुकिएगा। तो अखिल भाई लगाएं आप। देखिए व्यूअर्स, अब फैन हमने ऑन किए तो फैन से हमारी स्टीम बाहर निकलेगी, आप खुद प्रेशर देख सकते हैं व्यूअर्स, और माशाल्लाह कितना प्रेशर है इसका। ये चार मशीनें मैंने लगाई हैं, 3 इंच का पाइप है, और 3 इंच के पाइप का मकसद ये था कि मेरा शेड जो है ना 22x25 का है, आपका छोटा है तो आप कम भी लगा सकते हैं शेड। ठीक है, और अच्छा ये देखें डिमर, इससे आप स्पीड कम तेज़ कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स। अभी थोड़ी सी पीछे इसके रोशनी है, अगर वो कम हो तो ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, प्रेशर खुद फील कर सकते हैं आप। ठीक है, तो माशाल्लाह बेहतरीन सिस्टम है व्यूअर्स, आप खुद भी अपने लिए लगाएं और डेड इन शेल का प्रॉब्लम अपना आप लोग हल करें। ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में इसकी वीडियो साथ अटैच कर दूंगा कि मेरे शेड में कितना फ़र्क पड़ा है। जी व्यूअर्स, तो थोड़ी देर बाद मैं शेड में आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं कि 63 पर इस वक्त हमारा टेम्परेचर आ चुका है 35 से। सर मैंने आपसे पहले कहा था आपसे कि जो भी काम मैं करूँगा इंशाल्लाह मैं उसमें ज़रूर आप लोगों को भी बताऊंगा। आप यकीन माने मुझे खुद बड़ा फ़ायदा हुआ इससे, क्योंकि ये मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया, मैं चाहे तो एक बना हुआ ला सकता था। वो है ना, व्हेन यू टीच यू लर्न अलॉट, कि जब आप सिखाते हैं तो आप खुद भी सीखते हैं। ठीक है ना, तो मैंने खुद बहुत कुछ सीखा। तो व्यूअर्स लाजमी देखें, अगर आपके शेड में अगर ह्यूमिडिटी का इशू आ रहा है, डेड इन शेल हो रहे हैं, तो आपकी प्रॉब्लम ना अदनान भाई सॉल्व करेगा ना कोई और करेगा, मेरा काम है आपको बताना, आपको मोटिवेट करना। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिस भाई के पास भी इशू आ रहा है डेड इन शेल का, आज ही जाएं, और मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा फाइन शॉप वाले का, ये जहां से आपको मिले, देखिए मैं जिससे लाया हूँ मैं आपको उसका दूंगा, ताकि किसी भाई को कराची में इलेक्शन कमीशन के सामने बिल्कुल कोऑपरेटिव मार्केट है गली में, वहां से मैं लाया हूँ। अगर कहीं और से आपको मिलते हैं, आप पाकिस्तान की किसी और जगह, आप वहां से ले लें। तो व्यूअर्स, अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ हो तो बिल्कुल अपने भाई को दुआओं में याद रखें, और लाजमी आपका अपना चैनल है, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बने रहें। अभी मैं दो वीडियोज़ मज़ीद मेरी आएंगी, इसके बाद आप देखेंगे एक अनफर्टिलिटी की और एक डेड इन शेल की वजूहत क्या हैं, और भी मैं मुख्तलिफ चीज़ें आपको उसके बारे में बताऊँगा। तो फ्यूचर में ऐसी वीडियोज़ के लिए अपने भाई के साथ बने रहें, और जिस भाई को भी फ़ायदा हो लाजमी अपने भाई को दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।